कोयला व्यवसायी अभिषेक हत्याकांड का मुख्य आरोपी सह टीएसपीसी सब जोनल कमांडर इरफान सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद। एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव हत्याकांड का मुख्य आरोपी सह टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर इरफान अंसारी सहित 3 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में गठित पीपरवार थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाईवे में आगजनी समेत कई अन्य घटनाओं का मास्टरमाइंड इरफान अंसारी उर्फ तूफान, शोभित शर्मा उर्फ राजा उर्फ अभिषेक सब जोनल कमांडर, जबकि संदीप लोहरा उर्फ बलवंत शामिल है। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से 2 देसी कट्टा, 9 चक्र जिंदा गोली, 4 मोबाइल, 22,500 नकद, टीएसपीसी संबंधित नक्सली पर्चा सहित नक्सली सामान बरामद किया गया। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि पीपरवार थाना अंतर्गत ग्राम सिंगर बिलारी में जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाईवे में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड इरफान अंसारी था। पीपरवार एवं खलारी थाना क्षेत्र के कोयल व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर निर्मम हत्या की घटना में शामिल था। जनवरी माह के शुरुआत में रांची के रातू थाना क्षेत्र में पीपरवार एवं खलारी थाना में सक्रिय कोयल व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके उपरांत लगातार सभी कोयला व्यवसायियों एवं टंडवा, पीपरवार, खलारी, रातू इत्यादि के जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि हैं, उन सभी को टीएसपीसी के अभिषेक और बलवंत, इन सभी नामों के द्वारा लगातार धमकी दे रही थी और जान से मार देने की धमकी देते हुए लेवी की मांग की जा रही थी। इस क्रम में छतरा पुलिस लगातार एसडीपीओ टंडवा प्रभात बरवार एवं थाना प्रभारी पीपरवार गोविंद, इन सभी की जो एक टीम बनवा के हम लोग लगातार जो छापामारी और अनुसंधान करवा रहे थे। इस क्रम में हमें बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें हम लोगों ने टीएसपीसी के पुराने क्रिमिनल इरफान अंसारी उर्फ तूफान, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। इसके साथ साथ हमें टीएसपीसी के अभिषेक उर्फ शोभित शर्मा एवं बलवंत, इन तीनों को हम लोगों ने अरेस्ट करने में जो सफलता पाई है, और इनके साथ हमें 2 देसी पिस्टल एवं कुल 9 राउंड जिंदा गोली, ये हम लोगों ने रिकवर किया है। इसके अलावा टीएसपीसी के पर्चे जिसपे लोग धमकी दिया करते थे, ये सभी हमें बरामद हुआ है। इरफान के द्वारा अभिषेक श्रीवास्तव के हत्या में संलिप्तता स्वीकार की गई है और यह बताया गया है कि ये हत्या जो है ये भीखनगंजू के निर्देश पर इसके द्वारा जो है स्वीकारित की गई थी। और इसके साथ ही जो है एक जो लंबे समय से ये जो धमकी देने का सिलसिला था उस पर हम लोगों ने जो है सो कंट्रोल पाया है। मैं इस अवसर पर फिर से एक बार जितने भी चतरा ज़िले के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो रोड कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो कोयला व्यवसायी हों या अन्य कोई व्यवसायी हों, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपको किसी भी संगठन के द्वारा और किसी भी उग्रवादी के द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी दी जाती है तो आप तत्काल उसे पुलिस के संज्ञान में लाएँ, ताकि पुलिस उस पर आवश्यक अनुसंधान करते आवश्यक कार्रवाई कर सके। और इस प्रकार के एलिमेंट्स के लिए हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है इरफान, इसके पहले भी जो है इसने काफ़ी हीनस क्राइम्स जो हैं वो किए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले रांची में बबलू सागर मुंडा पर भी जो है सो गोली चलाई गई थी, उस पर भी इसकी संलिप्तता सामने आई थी और उसका भी मास्टरमाइंड इरफान ही था। इरफान पर लगभग 15 से अधिक डिफरेंट आर्म्स एक्ट, UAPA, 17 CLA इत्यादि के केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। और अभिषेक और सोहित शर्मा पर भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में 5 से अधिक कांड जो हैं वो दर्ज हैं। इस बार भी हम लोगों ने कांड में जो है सो UAP इत्यादि एक्ट लगाकर जो है कांड दर्ज किया है, उन्हें अनुसंधान कर रहे हैं। कोयलांचल को शांत करने में सर कितनी बड़ी कार्रवाई? ये एक अच्छी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि पिछले लगातार 1-1.5 महीने से जो है बहुत ज़्यादा कॉल्स, धमकी भरे कॉल्स जो हैं वो सभी व्यवसायियों को आ रहे थे और क्षेत्र को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस बलवंत को हमने गिरफ्तार किया है, इसी के द्वारा कुछ दिनों पहले टंडवा में उत्तराठी में बन रहे एक सड़क निर्माण क्षेत्र पर भी गोली चलाई गई थी और वहाँ पर लेवी की मांग की गई थी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये एक अच्छा सफलता मानी जा सकती है। इनमें शामिल लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। सर, जो लोग घटना को कारित करवा रहे हैं बड़े नक्सली, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी सर? हमने सबों को चिन्हित किया है और जो कानून की जो धाराएं हैं और जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग ये सभी कर रहे हैं। और हम लोग जो है सो ऐसे क्रिमिनल्स जो कि बेल्ड आउट होने के बाद पुनः क्राइम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी के बेल कैंसिलेशन इत्यादि के लिए भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये तीनों अपने आप को पदधारी बताते हैं। बलवंत खुद को सीमांत जोन का जोनल कमांडर बताता था और उसके सारे पर्चे उसी नाम से होते थे। अभिषेक खुद को सब जोनल कमांडर बताता था और इरफान और तूफान जो है उसे एरिया कमांडर का पता। हाँ, लेवी का पैसा भी 22,500 रुपये हम लोगों ने बरामद किया है और अन्य भी हमें कुछ सूत्र मिला है, हम लोग उस पर वर्क करते हैं।